हेलो दोस्तों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान से अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा वर्ल्ड का मैप है। बात दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मीन्स गोरे, अश्वेत मीन्स काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। सोच सकते हैं कितनी कठिनाई भरी ज़िंदगी होती होगी उस टाइम लोगों की। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इसे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं।
यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उससे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके जो हैं, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहाँ ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको पता है। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। पानी, यहाँ पे देखिए पानी के लिए बर्तनों की लाइन लगी हुई है। पोस्टरों पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। महेश कपासी, दिल्ली। संपादक के नाम चिट्ठी लिखी गई है। कार्यवाही, यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। सोहन पाल को भाटी असम। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी के वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि
जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। अपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, अपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा आज हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये देखिए, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भावों से बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराजसागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराजसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है, लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता, लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों के स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए, इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। और भेदभाव की जो ये धारणा चली आ रही है वो पहले बहुत थी, अभी बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी लड़के लड़कियों में लोग बहुत फ़र्क करते हैं। रंग को लेके भी बहुत लोग फ़र्क करते हैं। अब कोई हद से ज़्यादा सांवला हो या हद से ज़्यादा काला हो, उसे लोग अलग नज़रों से ज़रूर देखते हैं। बहुत लोग नहीं देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें अपना योगदान दीजिए और इसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास कीजिए।
तो हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।